वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम काफ़ी सारे नोटिफिकेशन देखेंगे जिसमें रिक्रूटमेंट्स और सिलेक्शन लिस्ट वगैरह नोटिफिकेशन है। इसके अलावा और भी नोटिफिकेशन है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पर CDPO ऑफिस बीज बहाड़ा की तरफ से, यहाँ पर री एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। वैकेंसीज जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की हैं, टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 1 नवंबर 2023 अप टू 4 PM। एप्लीकेशंस आपको CDPO ऑफिस में सबमिट करनी है। उसके बाद आप देख सकते हो नेम ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, वार्ड नंबर। नेक्स्ट है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर CDPO ऑफिस कुंजर की तरफ से, यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 अक्टूबर 2023। आंगनवाड़ी सेंटर्स नेम यहाँ पर दिए हुए हैं और बाकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन है, इनको आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आई है आंगनवाड़ी हेल्पर्स की। नोटिफिकेशन आया है CDPO ऑफिस टंगमर्ग की तरफ से, लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की वैकेंसीज थी उनके लिए। नोटिफिकेशन आया है CDPO ऑफिस DH पूरा की तरफ से, लास्ट डेट है अब 25 अक्टूबर 2023 अप टू 4 PM। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर हेल्पर्स की वैकेंसी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बेथन क्रियू की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। आपको एप्लीकेशंस स्कूल में सबमिट करनी है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 8th पास होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। अगर आपको और भी डिटेल देखनी है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो, उसमें जो है कंप्लीट एलिजिबिलिटी वगैरह मेंशन की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर हेल्पर्स की वैकेंसीज आई हैं। नोटिफिकेशन आया है ZDO ऑफिस बांडीपुरा की तरफ से, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 8th पास होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ। इसमें BPL कैटेगरी होनी चाहिए, कैंडिडेट लोकल होना चाहिए जहाँ पर स्कूल की लोकेशन है। एज जो है 1 जनवरी 2023 तक 18 to 45 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। और स्कूल आप देख सकते हो जिनमें वैकेंसीज हैं।
नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है जेके एसएसबी की तरफ से, फील्ड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है 22 अक्टूबर को, इसमें डिटेल आप देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।